करनाल के मानव सेवा संघ के प्रांगण में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन में समाज सेवा के कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि यस वी कैन सामाजिक संस्था के द्वारा लोगों को राशन वितरण और प्रशासनिक कार्यों में मदद करने वालों को आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मेयर ने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना काल के समय लगे लॉकडाउन के दौरान घर घर राशन पहुंचाने एवं दवाइयां व अन्य सहायता करने के लिए कार्य किया है, आज उनको सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन संजय बत्रा ने कहा कि कोरोना वॉलंटियर्स को सम्मानित कर वह गर्व महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए यह सम्मान के पात्र हैं। मेयर ने कहा कि हर इंसान को अपनी क्षमता के मुताबिक गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना बेहद पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि करनाल जिला में अनेकों ऐसी सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो गरीब व असहाय लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। उन्होंने इन संस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि इन संस्थाओं से सबको प्रेरणा भी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब व जरूरतमंदों की मदद करने से जो अनुभूति प्राप्त होती है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के कारण सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों को उनके घरों पर ही राशन व अन्य जरूरत की वस्तुएं पहुंचाई, जो बहुत ही नेक कार्य है। मेयर ने कहा कि अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लोगों को मास्क पहनना चाहिए और कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का अवश्य तौर पर पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि नववर्ष सबके लिए मंगलमयी हो। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत भी की। कोरोना का एक वैश्विक महामारी का दौर चला और उसमें हमारी सभी समाज सेवियों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और यही वजह रही कि आज करनाल में हम बहुत कम केसेस हमारे कोरोना के मिल रहे हैं और सबने मिलकर उस वो दौर था जिसमें चाहे किसी को राशन की ज़रूरत थी, चाहे किसी को कहीं आने जाने में सहायता की ज़रूरत थी, चाहे हमारे कोविड पेशेंट्स को कोई हेल्प की ज़रूरत थी, तो सभी के साथ जुड़कर डॉक्टर्स हैं, हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ पर और समाज सेवी हैं, सब ने मिलकर समाज को, हमारे शहर को संभाल के रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब ने एक के साथ जोड़कर एक चेन बनाई और यस वी कैन की पूरी संस्था ने, संजय जी हैं यहाँ पर, एस एन कुमार जी हैं, सभी ने मिलकर यहाँ जो सेवाएं की उनके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मानव सेवा संघ में निरंतर इसके लिए जो हमारे शरणार्थी थे उनके लिए भोजन चलता रहा। स्वामी जी की प्रेरणा से सभी ये काम हुए। मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, ये भारतीय संस्कृति और परम्परा है जिसमें हम एक दूसरे के साथ जुड़कर हर मुसीबत से लड़ना सीख गए हैं और आगे कोई भी मुसीबत यदि हमारे सामने आती है तो हम एक मजबूत दीवार की तरह से हमारे ये कोरोना वॉरियर कहें, हमारे समाज से भी कहें, हर तरह से खड़े हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, उनकी बेहतर जिंदगी चल सके। तो नववर्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? नववर्ष के लिए क्या कहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम? 2020 में बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक वैश्विक महामारी के दौर में पूरा विश्व गुजरा है, फिर भी उसके बावजूद भी हम सब लड़ाइयों को लड़ते हुए आज 2021 में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ कि सब समस्याओं का अब समाधान हो जाए। जो भी सामाजिक बुराइयाँ हैं, जो भी सामाजिक समस्याएँ हैं, जो हमारी स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं, सबका समाधान होते हुए सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। सबके लिए नववर्ष बहुत मंगलमय हो, शुभकारी हो, इसी कामना के साथ सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और कौन कौन से नए नए कार्य इसमें जो है किए जाएंगे, क्या ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.